और इसी के साथ रनों पे रोकथाम लगता हुआ, हालांकि राउत ब्रदर्स एक विकेट खो चुकी है पहले ही ओवर में, और सफलतम गेंदबाज कपिल एक बार फिर से सामना करेंगे कंडेरी। धीरे धीरे चले अंपायर को पार किया, काफी शॉर्ट गेंद खेल दिया लेग साइड पे, लेकिन फिर और इस मरतबा कपिल अपने पारी का तीसरा और कोटे का दूसरा ओवर लेके सामने है कंडेरी। पहली दफा सामने करेंगे कपिल का, काफी अच्छी गेंद और काफी अच्छा शॉट और काफी सुंदर फील्डिंग नवीन द्वारा। एक रनों से दोनों बल्लेबाजों को संतुष्ट होना पड़ेगा। हालांकि कपिल सबसे पहले हो चुके खूबसूरत दिन की शुरुआत, स्वागत है आपका देवभूमि उत्तराखंड के एक सुंदर सा गांव सुबाई बहुशवद्री से। और अभी सुबह के 8 बज रहे हैं और गांव में धूप आ चुकी है, पहाड़ों पे मस्त सी धूप लगी हुई है और मेरे निकलने की तैयारी हो चुकी है शुरू। आज हमारा मैच है लाता में, तो इस क्षेत्र का पहला जो लेदर बॉल से जो टूर्नामेंट हो रहा है वो हो रहा है जहाँ माँ नंदा विराजमान है लाता गांव में, तो वहाँ लेदर के बॉल से टूर्नामेंट हो रहा है। तो पहला मैच जीत चुके हैं, वो वाला मैच तो आपको दिखाया नहीं, और आज हमारा दूसरा मैच है तो आज आपको पूरा मैच दिखाएंगे। और पिछला जो वीडियो था महाशिवरात्रि का तो आप लोगों ने काफ़ी इन्जॉय करे होंगे, तो आगे भी ऐसे ही वीडियो आते रहेंगे, बस अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। तो दोस्तों अभी अपना नाश्ता वगैरह भी हो चुका है और अब यहाँ पे से निकलते हैं उधर रोड पे, वहाँ पे गाड़ी खड़ी है सैन भाई और वहाँ पे रुके हैं, तो चलते हैं। गांव से 2-3 ही लोग हैं, बाकी सारे बाहर से हैं, मतलब वहाँ के लिए ना टीम मिक्स है, जगह जगह से इकट्ठा हो रखे, तो एक टीम बना रखी है। तो चलते हैं उधर रोड पे रुके हूँ, तो ये रही सामने गाड़ी, बाकी सवारी देख लो। चलो मतलब तो फाइनली दोस्तों पहुंच चुके हैं लाता में और यहीं पे नीचे पे रहा मैदान, और हमसे पहले सारे खिलाड़ी लोग पहुंच चुके हैं और बाकी एक गाड़ी में हम इतने लोग थे, आधे लोग ये हैं और बाकी पीछे आ रहे हैं। तो चलते हैं सीधे नीचे मैदान में और वहीं पे दिखाएंगे आपको आज का मैच, और जो विपक्षी टीम है वो हमसे पहले पहुँच चुकी है यहाँ। सो फाइनली दोस्तों पहुँच चुके हैं ग्राउंड में और ये रहा सुंदर सा ग्राउंड, और लाता गांव में आप जैसे आप लोगों को पता ही होगा माँ नंदा का सुंदर सा मंदिर भी है, और ये ग्राउंड बिल्कुल बसा है नदी किनारे और काफ़ी सुंदर सी जगह है। और एक बार आपको सिनेमेटिक शॉट के ज़रिए इस ग्राउंड और यहाँ के नज़ारे दिखाते हैं। तो बाकी खिलाड़ी ये रहे, ये हमारी विपक्षी टीम ये हमारी विपक्षी टीम, बढ़िया बाकी ये रहा मैदान और कमेटी के मेंबर हरि भाई सर, बढ़िया सर। कपिल पारी का तीसरा, पंद्रह ओवर का ये मैच खेला जाएगा, और इस मरतबा कपिल अपने पारी का तीसरा और कोटे का दूसरा ओवर लेके सामने है कंडेरी। पहली दफा सामने करेंगे कपिल का, काफी अच्छी गेंद और काफी अच्छा शॉट और काफी सुंदर फील्डिंग नवीन द्वारा। एक रनों से दोनों बल्लेबाजों को संतुष्ट होना पड़ेगा। हालांकि कपिल अपने पहले ही ओवर में एक महत्वपूर्ण विकेट चटका चुके हैं और इसी से उनका हौसला बढ़ता हुआ अपने कोटे के दूसरे ओवर में फिर से चले कपिल। सामने है दीपक, काफी खप बल्लेबाज और काफी शॉर्ट गेंद, वहां पे फील्डर मौजूद, खतरा हो सकता था लेकिन खतरा टला। एक रनों से दोनों बल्लेबाजों को संतुष्ट होना पड़ेगा। हालांकि बॉलिंग एंड खतरा ज्यादा था लेकिन कंडेरी भाई पहले ही वहां पहुंच चुके थे। एक बार फिर से कपिल चले दौड़े दौड़े अंपायर से पार किया सामने कंडेरी, काफी अच्छी गेंद, समझ नहीं पाई कंडेरी, जाने दिया गेंद को विकेट कीपर के दस्तानों में और
इसी के साथ रनों पे रोकथाम लगता हुआ, हालांकि रावत ब्रदर्स एक विकेट खो चुकी है पहले ही ओवर में, और सफलतम गेंदबाज कपिल एक बार फिर से सामना करेंगे कंडेरी। धीरे धीरे चले अंपायर को पार किया, काफी शॉर्ट गेंद खेल दिया लेग साइड पे, लेकिन फील्ड की कमी के कारण केवल एक रनों से संतुष्ट होना पड़ेगा दोनों बल्लेबाजों को। हां ना की स्थिति में एक बार फिर से मना किया दीपक ने कंडेरी को, ये काफी सही डिसीजन दोनों। अभी भी टीम का स्कोर 23 रन, एक विकेट के नुकसान पे राउत ब्रदर्स। एक बार फिर से कपिल चले दौड़े दौड़े, एक बार फिर से चले कपिल दौड़े दौड़े अंपायर को पार किया, सामने है दीपक। रन आउट कराना चाहते थे कपिल, लेकिन कंडेरी अपने क्रीज पे मौजूद और अंपायर ने नकारा। बल्लेबाज तैयार, सामने कपिल दौड़े अंपायर को पार किया, काफी अच्छा शॉट, फील्ड की कमी के कारण केवल एक रनों से संतुष्ट होना पड़ेगा दोनों बल्लेबाजों को। और इसी के साथ छोर चेंज करते हुए दोनों बल्लेबाज अब सामना करेंगे कंडेरी। हालांकि मैं पहले भी बता चुका हूं कि काफी जाना पहचाना नाम, और इस और ओवर की अंतिम गेंद फिर से कपिल चले, सामने है कंडेरी। क्या कुछ कर पाते हैं इस अंतिम गेंद में, काफी अच्छी गेंद, उतना ही अच्छा सम्मान कंडेरी द्वारा, लेकिन नॉन स्ट्राइक पे खड़े दीपक ने मना किया सिंगल लेने से। और इसी के साथ तीन ओवर की समाप्ति पे टीम का स्कोर 24 रन, एक विकेट के नुकसान पे रावत ब्रदर्स 11। और अब कच्ची 11 के कैप्टन किसे गेंदबाजी का भार संभाल सौंपते हैं, देखना होगा कि पारी का चौथा ओवर लेकर कौन से गेंदबाज आते हैं। इससे पहले दूसरे ओवर लेकर आए थे सिंपी, जो कि काफी महंगे साबित हुए, इसीलिए कप्तान ने उन पे भरोसा नहीं जताया है। बॉलर ने शिव अपने कोटि का पहला और पारी का चौथा ओवर लेकर सामने दीपक, और काफी अच्छा, और एक रन से संतुष्ट होना पड़ेगा दोनों बल्लेबाजों को वहां पे। हालांकि एक कैच ड्रॉप हुआ है और सूर्यदेव रावत ब्रदर्स के साथ खड़े हैं। शिव अपने पहले ही गेंद पे एक सफलता ले चुके थे, लेकिन फील्डर की कमी के कारण कैच छिटका। सामने कंडेरी, एक बार शिव चले अंपायर को पार किया, सामने कंडेरी, और वही गेंद कंडेरी ने खेल लिया लेग साइड पे, लेकिन फील्ड की कमी के कारण दोनों बल्लेबाजों को एक रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। हालांकि जो लेग साइड पे मैदान काफी छोटा है, वहां आपको केवल उठा के मारना है। एक बार फिर सिर्फ सामने है दीपक, काफी अच्छी गेंद, उतना ही अच्छा शॉट स्लिप के क्षेत्र में, वहां पे खिलाड़ी मौजूद, काफी अच्छा थ्रो। और इसी के साथ धीरे धीरे अपने रनों में इजाफा, सिंगल डबल की मदद से अपने टीम को आगे बढ़ाते हुए दोनों बल्लेबाज। और इस लेदर की बॉल में ये बहुत जरूरी है, आप लगातार सिंगल डबल रोटेट करते रहें और लूज बॉल को बाउंड्री लाइन के बाहर फेंकें। इस मरतबा फिर से सिर्फ चले, सामने है कंडेरी, काफी अच्छी गेंद, समझ नहीं पाए कंडेरी, जाने दिया गेंद को विकेट कीपर के दस्तानों में। हालांकि काफी तेज निकलती हुई गेंद, समझ नहीं पाए कंडेरी, एक बार फिर से बॉल खोजी दस्ता का बहुत बहुत धन्यवाद, समय समय पे आप गेंद को मैदान तक पहुंचा रहे हैं। फिर से सिप चले,
सामने है कनेरी, इस मरतबा धीरे धीरे अंपायर को पार किया, काफी अच्छा शॉट, हालांकि गैप पे खेला है बाउंड्री लाइन से बाहर, काफी अच्छा स्ट्रोक कनेरी द्वारा, लगातार अपने टीम के खाते में रनों का इजाफा करते हुए कनेरी। इसी के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 31 रन, हालांकि पहले ही ओवर में एक विकेट गंवा चुके हैं। सिर्फ चले अंपायर को, धीरे धीरे अंपायर को पार किया सामने कनेरी, काफी अच्छा स्ट्रोक बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रनों के लिए, और इसी के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 37 रन, एक विकेट के नुकसान पे 4 ओवर की समाप्ति पे। लगातार 9.1 का रन रेट मेंटेन करे हुए हैं, हालांकि वो वाला मैच नजर नहीं आ रहा है जैसे इन्होंने लीग मैच में खेला था, फिर भी वही स्ट्रोक की आवश्यकता। एक बार फिर से गली के क्षेत्र में खेलते हुए वहां पे फील्डर मौजूद, 1 रन से दोनों बल्लेबाजों को संतुष्ट होना पड़ेगा। लगातार सिंगल डबल की मदद से टीम के खाते में रनों का इजाफा करते हुए दोनों बल्लेबाज, और ऐसा होना भी चाहिए। फिर से कपिल तैयार, सामने है कनेरी जो लगातार लूज गेंद को बाउंड्री के बाहर फेंक रहे हैं, इस मरतबा काफी अच्छे शॉट लेकिन फील्ड की कमी के कारण साइड टू प्लेट। अरे टू प्लेट दे दिया अंपायर ने, और खेल दिया एक बार फिर से बाउंड्री लाइन के बाद 6 रनों के लिए। जो सामना करेंगे दीपक, खेल दिया हल्के हाथों से और सीधा फील्डर के हाथों में, दोनों ही बल्लेबाज 1 रन लेने में संतुष्ट, और टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 70 रन। 7 ओवर प्रगति पे, सुबह एकादश के कैप्टन से निवेदन है कि कमेंट्री बॉक्स में आने का कष्ट करें। और खेल दिया फाइनल लेग की दिशा में 1 रन के लिए, और इस 1 रन के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 71 रन। एक बार फिर से फील्डरों के माध्यम से गेंद पहुंची, कंडेरी द्वारा शानदार बैटिंग करके अपने टीम को 39 रनों का योगदान दिया गया, और पूरी तरह बीट हुए माध्यम से गेंद पहुंची शिव के हाथों में, और शिव दौड़ पड़े, सामना करेंगे दीपक, काफी अच्छी गेंद और उतना ही अच्छा सम्मान। 150 और एक बार फिर से शिव दौड़ पड़े, धीरे धीरे अंपायर को पार किया, सामना करेंगे दीपक, 4 और बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। और एक बार फिर से शिव दौड़ पड़े, सामना करेंगे दीपक, देखते हैं क्या कुछ करते हैं। खेल दिया फाइनल लेग की दिशा में और बेहतरीन फील्डिंग, निश्चित ही 3 रन रोका गया मनोज द्वारा, बबन द्वारा अच्छी फील्डिंग, और ओवर की समाप्ति, 7 ओवर की समाप्ति पे टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 76 रन। अपने कोटे का दूसरा और पारी का 8 ओवर लेकर आए कपिल, धीरे धीरे अंपायर को पार किया, सामना करेंगे दीपक, खेल दिया फाइनल लेग की दिशा में और सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए, और इन 6 रनों के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर। नितिन देखते हैं क्या कुछ करते हैं अपने टीम के लिए, और खेल दिया फुल टॉस को बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए, और इस 6 रन के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 150 रन। 150 रन पूरे होने पर कमेटी की ओर से सुबह एक अदोष को हार्दिक बधाइयां, और यहां पे रुखे दौड़ते हुए हल्के हल्के कदमों से, एक अतिरिक्त के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 2 रन।
बड़ी मुश्किल से दो रन हो रहे हैं, अभी 6 विकेट हो चुके हैं। So, फाइनल दोस्तों मैच जीत चुके हैं और खाना भी बनकर रेडी हो चुका है। यहाँ देख लो, चलो बैठ, चलो ये रहा खाना। और अब निकलते हैं यहाँ से ऊपर पे और भोजन करेंगे वहीं पे। यहाँ देख लो सारे लोग, ये रहे खिलाड़ी लोग पूरे। थकान ले जाना। तो दोस्तों यहाँ से निकलते हैं ऊपर रोड में, वहीं पे करेंगे भोजन। तो चलिए भाई दोस्तों अभी आ चुके हैं यहाँ रोड पे और यहाँ पे है पानी, हाथ मुंह धोएंगे यहाँ पे फिर खाएंगे भोजन। ये देख लो सारे खिलाड़ी लोग, रन इतने बना दिए थे कि दूसरी टीम ने मतलब आस पास ही नहीं पहुंचे। नहीं ये सारे खिलाड़ी लोग दोस्तों अभी आ चुके हम एक रेस्टोरेंट में और यहाँ पे ना खाना स्वयं बना रखा हमने। यहाँ देख लो ये रहा हमारा खिचड़ी पुलाव घर भाई, ये रहे सारे प्लेयर। चलो स्टार्ट करो दोस्तों, अभी भंडारा बढ़ता हुआ यहाँ देख लो, भंडारा के लिए लाइन देख रहे इधर, ये सारे लोग भंडारा पाते हुए। ना